देखिए फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ पकोड़े, बन गए हैं ये देखिए, आलू के पकोड़े हैं और साथ में चाय, चाय मेरी बन गई है। पकोड़ों का ये लास्ट था, बस थोड़ा सा घोल बच गया था बेसन का, तो उसमें मैंने एक ब्रेड का पकोड़ा बना दिया है। तो इस तरह से मेरा बेसन भी पूरा लग गया है फिनिश, और पकोड़े भी हमारे हो गए हैं फिनिश, और चाय मैंने रख दी है गर्म होने के लिए। बस अब चलते हैं अंदर और पीते हैं चाय और साथ में खाते हैं पकोड़े। आ गए हैं हमारे गर्मा गर्म पकौड़े अंदर, ये कीरत ने करी शुरुआत। बढ़िया बने, चलो। और साथ में हमने बनाई है चाय, और साथ में हमारा जल रही है, क्या कहते हैं इसे, अंगीठी, कोयले जला रखे हैं साथ में हमने आग। और सर्दी के हम पूरे मजे ले रहे हैं माँ बेटे तो माँ बेटे ले रहे हैं पूरे से सर्दी का मजा। आप भी आइए और खाइए, बोलो, आप भी आइए और खाइए हमारे साथ गर्मा गर्म पकोड़े और ब्रेड पकोड़ा भी खा लीजिए। पकोड़े, हरी चटनी, लाल चटनी, और साथ में है चाय, और साथ में है आग। मजा ही आ गया आज तो, है ना किरत? और किरत ने अपना बिस्कुट भी क्या रखा है, अच्छा बिस्किट नहीं है, चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो बिस्किट पीछे रखा है, बोल रहा है कि मैं इसको डाल के खाऊंगा। और मैंने पकोड़ों में डाल दिए हैं ये, फिर भी कह रहा है कि मुझे पकोड़ों के ऊपर डाल के फिर खाने हैं, और बिस्किट भी खाना है, और बिस्किट भी ला के रखा है कि मैं चाय के साथ बिस्किट भी खाऊंगा। बताइए पार्ले जी है, बताओ इसका क्या कॉम्बिनेशन है बिस्कुट का और पकोड़ों का? ये पार्ले जी है, दुनिया में 1 मिलियन लोग खाते हैं, 1 मिलियन लोग खाते हैं। ऐड देखा था इसने कि ये बिस्कुट बहुत फेमस है, हमारे टाइम का भी, हमारे से भी पुराने टाइम का सबसे पुराना बिस्किट और सबसे बेस्ट बिस्किट लगता है मुझको ये पार्ले जी। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाइए, आपकी आपका भी मन कर रहा होगा देखकर खाने का, तो आ जाइए साथ में खाते हैं और ठंड को एंजॉय करते हैं। बाय बाय, ठंड को बाय बाय बोलो।